लिखित परीक्षा के रीजनिंग में तर्क शक्ति में उन्होंने एक चैप्टर रखा है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्या बताएं आप क्या समझे वर्गीकरण मतलब क्या? कहने का मतलब जो चार विकल्प दिए गए उसमें से एक विकल्प बिरादरी के बाहर उसको क्या कहेंगे हम कि वर्गीकरण। इसमें आपका जीएस भी जुड़ जाएगा, गणित भी जुड़ जाएगा और जो अभी तक आपने पढ़ा वह भी जुड़ जाएगा। तो वर्गीकरण में चार ऑप्शन दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा फिर आप लोग बताइएगा क्या क्या है। ठीक, ऑप्शन ध्यान सुनिएगा, मैं इसे लिखूंगा नहीं, ध्यान सुनिएगा। रांची, विकल्प ए रांची, विकल्प बी रायपुर, विकल्प सी इंदौर, विकल्प डी पटना। हाँ तो क्या हुआ अब इसमें क्लासिफिकेशन क्या हुआ? अब वर्गीकरण करते समय में यह देखना था चारों शहर थे राज्य के, लेकिन उसमें तीन राजधानी थी और एक क्या था केवल केवल शहर। इंदौर क्या था उसमें? हाँ ठीक, इंदौर शहर था और बाकी जितनी थी राजधानी थी। समझ में आ गया, शुरू करिए अब कथा। चलिए यही होता है वर्गीकरण। अच्छा एक चीज और बता दे, वर्गीकरण जो कठिन होता है जो हम लोग नहीं पकड़ पाते, सूर्य से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिज्म से जो लाइट निकलती है कितने कलर होती है वो, उसका ट्रिक क्या है? हाँ वो भी ट्रिक में आता है, कलर का नाम दिया है, कलर का चार्ट नाम दिया है, उसमें पकड़ना होता है कौन सा कलर विकल्पों में है कि नहीं है विकल्प में। और उसमें एक और आता है, कुछ होते हैं प्राथमिक रंग, उसमें आता है। ठीक, अब आते हैं एबीसीडी वाले में, इसमें क्लासिफिकेशन कैसे पूछता है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, चार विकल्प है, चार विकल्प में ध्यान देखिएगा। ठीक, बहुत तेज पकड़ते हैं आप लोग तो, बहुत सरल था ना। ठीक, एस डब्लू एफ, अच्छा पी कैसे? हाँ अच्छा, एक तरीका वर्ग से हो गया, एक तरीका सब सम संख्या पे और एक विषम पे, एफ का 6, 24, 16, 23 सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य भाज। ठीक, हमारा समझ में ना, ये हो गया, आगे बढ़ा जाए। HM, FK, LS, QB, बताइए कौन इसमें से भिन्न है? एक हाँ कैसे इन दोनों कितने डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों में, इनमें, इसलिए भिन्न, इसलिए ये भिन्न है। ठीक समझ में आया, और आगे बढ़े, समझ में आ गया ये? हाँ हाँ क्या करें आप, कुछ नहीं कर, आ
आगे बढ़ा जाए। एक इसमें क्या है, इसमें चार विकल्प है आपका, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर। इसमें क्या है, हाँ देखिए, ये 30 का मंथ, जून 30 का, 30 का, 31 का, इसलिए क्या है, सभी से भिन्न, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में आएगा ये। ठीक, आगे बढ़े आप जी सर, आ रहा समझ में ना, कोई दिक्कत इशू नहीं है ना, हाँ कोई समस्या बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन झगड़ा कर लेंगे आप लोग, 125 सब वर्ग है और ये है ना। ठीक, समझ में आ रहा आप लोग को ना, कोई समस्या बताए? अरे भैया ये 12 स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब। ठीक, अठारह 324, 32 1024, 16 56, 37 43, कैसे? हाँ ये ध्यान है, बाकी सब ठीक, समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत? क्या होगा? 87 क्यों? ये अभाज्य है, ये सभी अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य, अभाज्य याद ही नहीं है, 1 से लेकर 100 तक ये सभी अभाज्य और ये भाज्य है, डिजिबल है 3 से, समझ आ रहा है ना? ठीक, हाँ हाँ, नहीं यहाँ पलटा नहीं, ये छाटना वर्गीकरण करना है, अलग करना है। ठीक, समझ आ रहा है ना? खरगोश, खरगोश शाकाहारी, बाकी सब सर्वाहारी। खरगोश, खरगोश देखिए, अपवाद में जब आएगा तो इसलिए मैंने जानबूझ दे दिया। आप अगर शाकाहारी की बात करेंगे खरगोश, ठीक, और अगर भोक्ता की बात करेंगे
प्राथमिक भोक्ता, प्राथमिक भोक्ता, और ये सब क्या है? द्वितीयक भोक्ता है। पालतू में बात करेंगे तो कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, ये भी है, मेढक नहीं है। ठीक, मेढक उभयचर है। ठीक, अब ये विवादित प्रश्नों में से है। ठीक, लेकिन अब एग्जामिनर शाकाहारी भी लेना चाहता है, बिकल, लेकिन इसमें होता क्या है, शाकाहारी लेते हैं, इसमें शाकाहारी मांसाहारी पालतू में लेते हैं। ठीक, पालतू है कि शाकाहारी अथवा मांसाहारी है, या प्राथमिक श्रेणी को भोक्ता है, द्वितीय श्रेणी को भोक्ता है, सर्वाहारी है। ठीक, मैंने जानबूझ दिया ताकि ये सब जानते रहे चीजें, आप समझ आ रहा है आप लोग को? इसमें इस कंडीशन में भैया मैं खुद ही बता नहीं पाऊँ क्या होगा, खरगोश ही रहेंगे। हाँ, आयोग क्या जानना चाहता है? ठीक, आयोग क्या सुनना पसंद करता है? अब आते दोनों में सही करेंगे कोर्ट होने के बाद। नहीं, आयोग अगर इस तरह विवादित नहीं बनाते, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस तरह का प्रश्न आ जाएंगे तो फिर कैसे हम लोग को करना है। अंतक क्या हुआ? ये भी सही है, और 729। लेकिन 729 सही लेंगे तो 721 ही सही होगा। क्यों? सभी 9 से भाज्य और ये 9 से भाज्य नहीं है। देखिए, 7 2 9 9 18 9 से विभाज्य, 8 7 15 18 9 से विभाज्य, 4 3 7 2 9 से विभाज्य, लेकिन ये 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर इसको आप सही मान रहे हैं वर्ग के हिसाब से, तो ये सभी 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य नहीं। ठीक, सही है ना? ज्यादा सही हो रहा आप लोग का? चावल, हाँ चावल सब में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सभी दलहन है। ठीक, सही है ना? समझ आ रहा है ना? मिठाई को अरहर, सोयाबीन, चना और चावल। आगे बढ़े, मार्च पालक मटर 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 बिन ये सब जायद की फसल है। चलिए, हम लोग तो दिमागदार पहले से है, मतलब रीजनिंग ऐसा होता है ऑलरेडी आपको पता, बस ये सोचना है कि प्रश्न का मतलब क्या होता है। वर्गीकरण मतलब तीन किसी तरह से एक है, चौथा उससे निकल के बाहर। ठीक, समझ आ रहा है ना आप लोग को? चलिए, अब देखिए कौन बताता है। क्या करते हैं इसको? हाँ, नंबर नहीं याद आ रहा आपको? अच्छा, हैंगर के बारे में बता दें आपको। हैंगर क्या होता है? जहाज जहाज की रिपेयरिंग होती है उसे हैंगर कहते हैं। एक हमको याद ही नहीं आ रहा था, गैरेज हो गया कुछ, और किसकी रिपेयरिंग कहाँ होती है?
वर्कशॉप लिखना चाहिए। चलिए हो गया, गलती हो गई। चलिए हैंगर हो गया, गैरेज हो गया, वर्कशॉप कुछ और देते। तो हैंगर माने हैंगर जाते रहेगा जहाँ हवाई जहाज की रिपेयरिंग होती है। हवाई जहाज जहाँ रिपेयरिंग होती है उसे हैंगर कहते हैं। हाँ, चलिए अब लिखे आयरलैंड यही है। ठीक, बंदरगाह, प्लेटफॉर्म, बस अड्डा, अतिथि गृह, हवाई अड्डा, ये सब क्या है? किसी परिवहन साधन में रुकने का स्थान, और ये क्या है? व्यक्ति के रहने स्थान है। ठीक, अब आप लोग इसके बाद गणित पढ़ लीजिए। हाँ, इससे दिमाग में हमारे प्रश्न नहीं आ रहा है। ओवर हो रहा है ना? हाँ, किताब है, रखा हुआ है, किताब से पढ़ाने की आदत नहीं है ना। क्वेश्चन मतलब देते, किसका मतलब? इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान सबका समावेशन होता है, सब इसमें मिले होते हैं। कब कहा किसको कहा अलग कर दे? अभी विद्युत धारा से दे देगा, चाट उठा देगा, तीन जो जनक दे देगा, तीन जो साइनिक जनक दे देगा, मनोविज्ञान का दे देगा, तो उसके बाहर हो गया। ठीक, अभी बताएंगे। अच्छा हाँ, ऐसे पूछता है, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, रसायन शास्त्र। ये साइंस का है या आर्ट का? इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं और आए भी हैं। मुस्ती का धर्म मतलब क्लासिफिकेशन में मतलब क्या है? जो दिए गए चार विकल्पों में से भिन्न किसी भी तरह से, भाज, अभाज, सम, विषम, वर्गीकरण, विभाजिता के आधार पर, मंद के आधार पर, ईयर के हिसाब से। ठीक, सभी क्या करते हैं? इसके अंतर्गत रखते हैं। लिखिएगा, कौन से भिन्न है? नहीं सर जी, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है? 1728 जी। विक्रम जी आप बताए, 1600 और 1728 क्यों? ये वर्ष के नाम, इसमें कौन सा लीप वर्ष है? सभी है, 1500 नहीं है। कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 1500। अच्छा, अगर ये बात इसको बदल दे। चलिए भैया, चलिए 1500। निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष नहीं है। 1500 नहीं है, बाकी सब 1500 लीप वर्ष नहीं है। ये चार से बेशक कट जाएगा, ये ली शताब्दी वर्ष कहा जाता है। 400, 1600, 2000, 800, 1200, 2400, ये सब लीप शताब्दी वर्ष होते हैं। इसके अलावा कोई भी लीप शताब्दी वर्ष नहीं। बाकी जो चार से भाजित होती वाली, देखिए ये चार से कट जाएगी, ये चार से कट जाएगी, लीप यह दोनों भी चार से कट जाएगी, लेकिन जब शताब्दी की बात होती है 400 से कटनी चाहिए, इसलिए यहाँ विकल्प क्या होगा? सी, 1500। ठीक, ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं होता, मैंने यूट्यूब पे इसके लिए कैलेंडर प्रोसेस में बताया है। ठीक, सुनाया, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। यही मतलब वर्गीकरण मतलब यही है। क्या हुआ? अच्छा,
जिसे लीप वर्ष किसे कहते हैं, हम आज तक यही पढ़ते हैं जो वर्ष चार से विभाजित हो जाती है उसे लीप वर्ष कहते हैं। किंतु यदि किसी वर्ष के इकाई और दहाई के स्थान पर जीरो जीरो हो, माने 100 साल की गणना की बात करें, उसे 400 से कटना चाहिए। अगर वो 400 से कटेगी तभी लीप वर्ष है, अन्यथा वह साधारण वर्ष में गिनती होगी। जैसे 1900 साल साधारण वर्ष, 2000 साल लीप वर्ष, 1600 साल लीप वर्ष, 1200 साल लीप वर्ष, 800 साल लीप वर्ष, 400 साल लीप वर्ष, लेकिन 900 साल लीप वर्ष नहीं, बेशक 4 से कट जाएगा। मतलब इकाई दहाई के स्थान में जीरो जीरो, इसे कहा जाता है लीप शताब्दी वर्ष। मैंने कैलेंडर पढ़ाते समय पढ़ाया था, ठीक। इसलिए यहाँ पे 1500 हो गए, इस बात को ध्यान जानते रहिएगा। मालूम कैसे देता है, कभी कभी एकदम सिंपल ऐसे दे देगा, 1700, 1800, 1900, 2000, बस। अब विकल्प समझिए, क्या क्लासिफिकेशन करना, ये वर्षों वर्ष है, इसमें लीप वर्ष कौन सा है, केवल केवल दो, ये सभी साधारण वर्ष है, बेशक ये 4 से कट जाएंगे। 4 का नियम कहाँ फॉलो करता है, अन्य के लिए फॉलो करता है, जब शताब्दी की बात करेंगे उसे 400 से कटना चाहिए, ये जानते रहे आप लोग। इसमें बहुत इजी भी होता है, बहुत टफ भी होता है, आपको हर चीज जानना होगा, इतिहास, भूगोल, गणित, सब कुछ, कुछ सारे सब्जेक्टों का समावेशन होता है रीजनिंग में, ठीक। कोई क्लास क्वेश्चन किसी का, हाँ, तो इसीलिए 2000 घड़ी कट रहा है, यही लीप वर्ष है, बाकी लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष कहा जाएगा। हाँ, अगर आपको डाउट हो तो मेरी कैलेंडर वीडियो पढ़िए, देख लीजिएगा, मैंने विधिवत समझाया उसमें क्यों ऐसा है। अब जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं एक साल में, बस 365 दिन, 5 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड, तो जो समय बचता है 400वें साल में जोड़ते हैं, फिर जो बचता है वो 400वां साल का जो फरवरी होता है उसे 29 से करते हैं, कुछ सेकंड रुक जाते हैं, जो सेकंड है कुछ छूट जाते हैं, ये भौगोलिक तथ्य पे है, ठीक। किसी कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आप पढ़ लीजिए गणित।